वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 185.05 पे ट्रेडिंग कर रहा है। करीब करीब यहाँ पे तकरीबन 1 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है कोल इंडिया स्टॉक के अंदर। तो कोल इंडिया आज यहाँ पे आप प्रीवियस क्लोजिंग 186 की थी और आज ओपन हुआ था 187.95 पे, 2 पॉइंट अप गैप अप से ओपन हुआ था। जैसे गैप अप से ओपन हुआ तो गिरावट देखने को मिली और करीब यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे आप 185 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो लो देखने को पास देख सकते हैं, हाई बनाया था 187.95 का और लो है 184.30 का। करीब करीब यहाँ पे गिरावट के बाद यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे आप स्टेबल हो चुका है यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक। तो यहाँ पे मार्केट कैप भी देख सकते हो, 1.14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और यहाँ पे पी रेशियो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, 13.82 का और डिविडेंड यील्ड है 9.846% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख रहे कोल इंडिया स्टॉक की मूवमेंट देखी जाए तो बहुत ही यहाँ पे आप देख रहे कि बीच में एक अच्छी मूवमेंट की थी, 190 लेवल को भी ब्रेकआउट दिया था और ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाया तो फिर से गिरावट देखने को मिली है। और 1 मंथ के अंदर यहाँ पे आप देख रहे करीब मूवमेंट देखोगे तो भी 9% ऑफ है लास्ट 1 मंथ के अंदर। कोल इंडिया स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट की है, तकरीबन 160 लेवल को ब्रेकआउट किया तो एक अच्छी शार्पनेस देखने को मिला था कोल इंडिया स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस की भी बात देखी जाए तो चार्ट एनालिसिस कोल इंडिया स्टॉक के भी देख सकते हो करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोल इंडिया रिसेंटली जो मंथली यहाँ पे रजिस्टर 2 है उसको ब्रेक करने के बाद उसका सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है आज के दिन में, जो कि सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 184.30 पे है। तो वही पे सपोर्ट लिया है आज के दिन में कोल इंडिया स्टॉक ने, तो वैसे बाउंस बैक भी होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं ऊपर के साइड में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट कोल इंडिया स्टॉक के लिए।